टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में फाइनली वो मौका आ चुका है जिसका फैंस ने इंतजार किया था। होगा ये कि अबीरा का एक्सीडेंट हो जाएगा और अरमान को अबीरा की आवाज की, उसकी लड़ाई की, उसकी खिटखिट की इतनी आदत पड़ चुकी है कि अब वो अबीरा को इस तरह से चुपचाप लेटे हुए नहीं देख पाएगा। अरमान बहुत इमोशनल हो जाएगा, अबीरा की साइड से हटेगा नहीं और कॉन्टिन्यूसली उससे बातें करते हुए उससे कहेगा कि वो उठ जाए, इस तरह से क्यों लेटी हुई है। अरमान ये भी कहेगा कि पास्ट में उसने जब भी अबीरा को बोलने से रोका है, वो अब कभी भी उसे बोलने से नहीं रोकेगा, बस वो उठकर अरमान से लड़ना शुरू कर दे जल्द से जल्द। बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगा अरमान और जब हॉस्पिटल वाले उसे कहेंगे कि अब यहाँ पर मिलने का टाइम खत्म हो चुका है और वो बाहर जाए तो वो कहेगा कि वो अबीरा को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता है। इतनी ज्यादा नौबत आ जाएगी कि उसे जबरदस्ती रूम से बाहर निकालना पड़ेगा, बट वहां पर भी वो फाइट करेगा। बट इतने में रूही वहां पर आ जाएगी और वो अरमान से कहेगी कि वो बस इस दरवाजे से बाहर निकल जाए और बाहर बैठ जाए, अबीरा के साथ रूम में उसके रहने से कुछ नहीं होगा, अबीरा को उल्टा रेस्ट करने दे। किसी तरह से रूही उसे समझाएगी। अरमान फिर भी पूरी तरह से कन्विंस नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो अबीरा के रूम से बाहर चला जाएगा। बाद में जब अबीरा को होश आएगा तो फिर से शुरू हो जाएगी अबीरा और अरमान की खिटखिट, क्योंकि अबीरा को ऑर्डर्स मिलेंगे कि वो बेड रेस्ट करे, बट अबीरा कह देगी कि वो बेड रेस्ट नहीं कर सकती है और यहाँ पर फिर से अरमान और उसकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। और रूही ये सब कुछ देखकर बहुत जेलस होगी, स्पेशली ये वाला सीन जहाँ पर अरमान अबीरा के साथ बेड पर फंस जाएगा। अरमान अबीरा के लिए बेड की जो साइड होती है वो ऊपर करेगा ताकि वो बैठ सके, लेकिन खुद भी वो दूसरी साइड बैठ जाएगा और फिर उन दोनों की बहस होगी जिसमें अरमान ये भी कह देगा कि मैं तुम्हारा सच्चा पति हूँ। और इतने में बेड पूरी तरह से फोल्ड हो जाएगा और दोनों बीच में फंस जाएंगे। दोनों का एक आई लॉक मूवमेंट भी होगा जिसे आकर ऑफकोर्स रुइन कर देगी रूही और वो बेड ठीक करेगी ताकि अरमान नीचे उतर जाए।